नमस्कार दोस्तों। जो कल स्प्रे में काम रह गया था खेत में, बच्चों की वजह से बबलू भाई चले गए थे, वो सब कर रहे हैं यार। यहाँ से निकल चलते हैं, ये लिए चलते हैं दोस्तों। जो ये घास वाली घुसती हैं सुबह आके, तो गन्ना ज़्यादा टूटता है इनकी झोलियों से जब वो इन खुड्डों के बीच से निकलती हैं, तो इसलिए हल्की घास डाउन करने के लिए करना पड़ेगा, क्योंकि जितना भी घास खेत में गल जाए सड़ जाए उतना बढ़िया है। तो उठा के ले चलते हैं, उधर दिखाते हैं आपको। आज हवा बहुत शानदार चल रही है, पछुआ हवा है तेज। एक दो दिन मौसम साफ रहने की उम्मीद है, तो अगर रह जाता है तो जितने भी अपने पास में बुहेर गन्ना है सब में हल्की हल्की स्प्रे नीचे यूरिया मिला के कर देंगे, तो उसका बेनिफिट मिलेगा। दोस्तों अब मैं अंदर आ गया हूँ और यहाँ देखें काफ़ी घास जो है काट ली गई है, कुछ बचरी है इधर, ये देखें इधर बचरी है। और ये छाटा हुआ 38 है जो इधर चक्रोड़ की तरफ है, पुरानी 12 की चक्रोड़ जो कटी हुई है उसकी तरफ है। और ये देखें गन्ने का साइज़ देखें, गन्ने की सुंदरता देखें। मुझे देखें कि अगर मैं हाथ उठाऊंगा दूर से तो ही पता चल पाएगा गन्ने में, अन्यथा मेरे पीछे देखें गन्ना जो 42 इंची का है कितना शानदार है। और दोस्तों जो गौर करने की बात है वो यही है कि जैसे मैं स्प्रे करते हुए चल रहा हूँ, ये मुझे बंद करना होगा नोजल, तो जो हम स्प्रे कर रहे हैं दोस्तों इसलिए कर रहे हैं, देखो कि ये जो आपके सामने गन्ना इस तरह से टूटा हुआ है कि वो घास वाली यहाँ से उन्हें सीधा नहीं जाना होगा, उन्हें इधर निकलना होगा कहीं भी, तो उन्होंने जो खींच के निकाल ली इसी तरह से करीब जो है खेत में बहुत सारे गन्ने टूटे हुए हैं। देखो जब सामने टूटे हुए थे मैंने बांध दिए, कई जगह मैंने बांध दिए। और ये देखो ये जो झपट मारी में जल्दी जल्दी ऊपर का जो पत्ता खिंचा हुआ है, क्योंकि ये जो पत्ता है ये ही पेड़ की ताकत है, नीचे का उतर जाए कोई बात नहीं, लेकिन ये जो है ज़बरदस्ती नहीं उतारना चाहिए, कभी भी गन्ना ख़राब हो जाता है, क्योंकि ये यहाँ से ताकत दे रहा है गन्ने को और गन्ना ऊपर बढ़ रहा है। तो दोस्तों यही है, इसीलिए दवाई जो है बदबूदार यूरिया और जो घास की दवाई मारी जा रही है वो इसलिए मारी जा रही है, क्योंकि बबलू भाई का जब हाथ कटा उससे पहले हमारी मौसी जी गुजर गई थी तब ये खेत बिगड़ा, अन्यथा हम इसे कामयाब दोबारा से फिर और सुंदर कर देते। लेकिन ऊपर वाले की दुआ सर आपके प्यार से, गन्ना खेत में इतना है कि जब फरवरी मार्च में खेत कटेगा तो दोस्तों वारे न्यारे कर देगा। ये देखें एक दौरे से गन्ना ही गन्ना है, कितनी अच्छी क्वालिटी का गन्ना है देखो। और ये इस तरह से अगर गन्ने टूटेंगे दोस्तों, ये तो ये शुक्र है कि अभी जड़ में से अलझा हुआ है, तो मैं इसकी बंधाई करूँगा, अभी दिखाता हूँ आपको, यहाँ बांधूंगा इसे। तो दोस्तों इसलिए दवाई करनी पड़ रही है। आपको लग रहा होगा ना कि इतनी बढ़िया घास है यार, घास वाले को ले जाने दो, लेकिन दोस्तों नील गायें और घुमंतु जानवर जो तोड़ रहे हैं गन्ना, और सबसे ज़्यादा बड़े पैमाने पर जो मेन गन्ना जो टूटता है आधे से या जड़ से करीब, यहाँ से तो ना जाने खेत में 500 गन्ने ना टूटे हुए हों, और अब आगे ब्यांत की गुंजाइश है नहीं। तो दोस्तों यही नुकसान होगा कि जो मतलब बिल्कुल हम इसके बारे में कुछ बता नहीं पाएंगे किसी को कि हमारा कितना नुकसान हो गया। तो दोस्तों यही है, इसे बांधता हूँ, अभी दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों ये बांध दिया है, हाँ अब आगे बढ़ते हैं, दवाई करते हुए चलते हैं। और गन्ना आपको कैसा लगा कमेंट में देखकर जरूर बताएं, देखें बहुत शानदार। अब मेरा काम निपटने वाला है, ख़त्म होने वाला है काम, बस एक ही टंकी करनी है जो ये मैंने भर रखी है। और बबलू भाई चले गए थे अपने काम से, और दोस्तों देखो इतना फ़र्क पड़ता है कि अपनी फसल को अच्छी को देख के जोश रहता है, मन भी करता है काम करने का। और जो एक वीडियो आपने देखी है कल गुलदार के बारे में, जो तेंदुए के बारे में जो देखी है, तो दोस्तों उसका एक गौर करने की बात है कि अगर हमारे यहाँ तेंदुए की समस्या हमारे यहाँ हो, हिंसक जानवरों की भी समस्या हो हमारे यहाँ, तो फिर हम नहीं कर सकते काम इस तरह से। तो दोस्तों बीच में फ़ोन आ गया था, थोड़ा वीडियो कट गई थी, बच्चे भी चिंता करते हैं घर पे, क्योंकि जैसे 2-3 दिन से बात चली रही थी, वीडियो भी देख रहे थे। तो दोस्तों मैं उन किसान भाइयों की हिम्मत मानता हूँ जो बड़े वनों के पास में खेती कर रहे हैं, उनके पशुओं को पे भी जो है शेर झपट्टा कर देता है, तेंदुआ झपट पड़ता है, मार डालता है उन्हें। और बहुत जगह का तो ये पता चला है कि गुलदार ने तेंदुए ने बड़े हमले कर दिए हैं किसानों पे, बहुत जगह तो छोटे बच्चों को और जो उनके मवेशी थे छोटे, और जो यहाँ तक के पालतू कुत्तों को भी खा गया मार के। तो दोस्तों आप खुद ही सोचो कि कितनी स्थिति ख़राब होगी कि किसान अपने खेत में मनचाहा काम नहीं कर सकता,
पांच छह इकट्ठे होंगे तो खेत में जाएंगे। और यहाँ देखो ऊपर वाले के आशीर्वाद से ना तो हमारे इन क्षेत्रों में कभी बाढ़ आती, जो ये हमारा मेरठ का क्षेत्र है, और दोस्तों ना यहाँ कभी कोई ऐसी दिक्कत होती कि रोड बढ़िया है। अब यहाँ से 1 किलोमीटर पर सामने मेट्रो भी आ गई है, सर्दी ट्रेन भी है, हर तरह की बसों की सुविधा है। तो दोस्तों रहना तो उनका है जिनके घर भी सेफ नहीं है, जो अपने घर को बंद करने के बावजूद भी अपने आप को सेफ नहीं समझते। बहुत जगह हाथियों की समस्या है कि हाथी आ चढ़ते हैं, पशुओं को मार देते हैं, घरों को तोड़ देते हैं। तो दोस्तों उनके बारे में सोच के लगता है, अभी मैं स्प्रे करता करता अंदर ही सोच रहा था कि भाई जहाँ जंगली जानवरों के ज़्यादा हमले हैं या क्षेत्रों में उनके किसी भी तरह के विरोधी गुट हैं, जैसे पहले जंगलों में डकैत वकैत रह रहे थे, तो दोस्तों वहाँ की तो स्थिति बहुत ख़राब है। इसीलिए वहाँ खेती जो है बहुत ही निम्न दर्जे की है, मतलब छोटी खेती है, बहुत बड़ी खेती नहीं है। तो दोस्तों यही है कि ऊपर वाले की जो कृपा रहती है, आप उसे किसी भी नाम से पुकारते हो, मैं ये मानता हूँ कि उसका हाथ सर पर हो और इंसान जो चाह रहा हो वो कर रहा हो, तो मैं उससे बड़ा खुश नसीब नहीं मानता कि जो चाहा वो ही कर लिया। हम लोग तो चाहने को तो यो भी है, नहीं भर रहा है पेट फिर भी चाहिए, वीरान हो रहा खूब, जब भी लूट रहे, बाजों का बस चल रहा तो वे देश को ही लूट रहे, जाति या धर्म के नाम पर ऐसा भ्रष्टाचार फैल गया है, इतना बुरा हाल हो गया है कि फर्जी आईडी बना रखी है, बताओ फर्जी आईडियों से गाली बक रहे हैं एक दूसरे को गंदी गंदी। तो सोचने की बात ये है कि ये धर्म के ठेकेदार तो सभी के बीच में बैठे हैं, ये किसी एक जगह से नहीं है, ना ये एक जाति से हैं, ये आप ध्यान रखना, ये सबके बीच में है और ये सभी को नुकसान पहुँचा रहे हैं। इन्हें पता है जब तक लोग लड़ते रहेंगे, मरते कटते रहेंगे, जब तक हमारे पैर पकड़ते रहेंगे और हम जो है इनके माए बाप बने रहेंगे। तो दोस्तों लड़ने वाला हमने देख लिया, लड़ने वाला कभी भी अपने परिवार को आगे नहीं बढ़ाता, वो तो लड़ने में रह जा। तो दोस्तों यही बात सोच के लगा कि जिनके रहने की जगह सेफ नहीं है, उनका समाज सेफ नहीं है, परिवारों में पारिवारिक झगड़े हैं, समाज में सामाजिक झगड़े हैं, तो बड़ी स्थिति ख़राब है। तो इसे हम ही सुधार सकते हैं अपने आप। क्योंकि दोस्तों एक टाइम पे ये था कि बाहर से आक्रांता आकर यहाँ पे जुलम करते थे, वो अपनी मनमानी चलाते थे, यहाँ के लोग संघर्ष करते थे। आज का टाइम आ गया, ये मीडिया का, मोबाइल का, सबकी जेब में मोबाइल आ गया, तो अब वो क्या कर रहे, उसके जरिए हमारे अंदर हमारे माइंड में घुस के हमें ही रिमोट कंट्रोल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, हमसे ही जो चाह रहे हैं वो करवा रहे हैं। हम ही फिर आप से बाहर हो जाते हैं, मीडिया में जाकर गलत गलत बात बोलते हैं, एक ने एक बात कोई बोल दी तो उस पर हजारों फर्जी आइडियाँ कमेंट करने लगती हैं कि बिल्कुल, मतलब ये मानो कि ऐसा हाल कर दिया कि कोई भी एक दूसरे के बैठने को तैयार नहीं है, ना कोई किसी के त्यौहारों में जा रहा, बहुत बुरी हालत है। यहाँ तक कि लोग अपने घर से ये भी सोच के जा रहे हैं कि मुझे उसके घर जाकर पानी भी नहीं पीना, कुछ मिला के दे दे, कुछ मंत्र मार दे उसमें, मेरा धर्म भ्रष्ट कर दे। तो दोस्तों पहले ये था, नदियों के, झोड़ों के, तालाबों के पानी पीते थे तो पहले ऊपर वाले का नाम ये लेते थे, धरती माँ को आशमन करके चुचकार के, कि आप गंदा, पाप गंदा, पानी कभी ना गंदा, और उस पानी ने कभी किसी का नुकसान नहीं करा। और आज फिल्टर पानी पी पी के हार्ट, ब्रेन हालत मतलब इतनी ख़राब हो ली है, फिल्टर फिल्टर फिल्टर, फिर उसमें कुछ से कुछ मिला रहे कि अभी वो पानी में ये मिलाओ, मिनरल वाटर वे मिलाओ, कैल्शियम मिलाओ, इसमें इसमें जो है ये मिलाओ, ताकत की चीज़ें मिलाओ। यहाँ तक कि फिल्म स्टार ब्लैक वाटर पी रहे, अरे वो ब्लैक वाटर तो ये हमारा शुगर फैक्ट्री का नाला है, बिल्कुल ही ब्लैक वाटर है। हमारे यहाँ कई बार कुत्तों में खाज हो ली, डंगरों के भी खाज हो जाए, इसमें नहवा दें बिल्कुल ठीक हो जाओ। तो दोस्तों समझ में बात यूँ नहीं आ रही कि कोई भी गहराई से किसी भी बात को नहीं सोच रहा है, परेशानी पे परेशानी, एक सुलझती नहीं हजार फिर खड़ी हो जाए। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि कोई आपको बचाने आएगा, आपको समझाने आएगा, आपको खुद ही समझना है, आपको खुद ही ये बात समझनी है कि हमें अपने माइंड में कोई भी गलत बात नहीं लानी है। अगर बस आपको ये बात रोड पर चलते हुए चौकस रखनी है, अगर सामने कहीं झगड़ा हो रहा है, आप अगर वाहन को लेकर भाग सकते हो तो मोड़ के भाग लो,
क्योंकि ये सब प्लानिंग होती है और जहाँ पर सामूहिकता होती है, बाजार होता है, ट्रैफिक ज़्यादा होता है, वहीं पे ये उपद्रवी आजकल हमला करते हैं। सरकार चाहे तो इन्हें एक सेकंड में रोक दे, लेकिन कुछ चीज़ों से सरकार को भी फायदा है। तो दोस्तों बात वही आ रही है कि अगर हम अपना मन इतना मजबूत कर लेंगे या हम अपनी तरफ से निजी तौर पर किसी को गलत नहीं बोल लेंगे तो कहीं भी कोई भी झगड़ा नहीं होने का। और धीरे धीरे जो ये आपके बीच में बैठे हुए या हमारे बीच में बैठे हुए हमारे समाज के या ये धर्म के ठेकेदार हैं जो इस दुनिया को नरक बनाना चाहते हैं, ये धीरे धीरे अपने आप ही ख़त्म हो जाएंगे। क्योंकि इनके बस की कमा का खाना तो है नहीं, इनके दिमाग में गंदगी है कि पहले अपने परिवार को लूटा, फिर अपने मोहल्ले में से लूट मचाई, फिर अपने शहर में से मचाई, और अब इन्होंने दुनिया में मचानी शुरू कर दी। क्योंकि ये बाहर बैठ के बाहर प्रॉपर्टी बना के यही सोचते हैं कि इस ज़मीन को हड़पो, इस शहर को हड़पो, इस देश को हड़पो, इनमें लोगों में मारामारी मचवाओ, फिर हम जो चीज़ चाहेंगे वैसी बिकेगी, हम जो चाहेंगे वो होगा इस देश दुनिया में। तो दोस्तों वही बात है कि अपने माइंड को मजबूत बनाएं, और जो ये वायरस जो माइंड में जा रहा है बार बार वीडियो के माध्यम से या किसी भी बात से, उससे बचें। तो मैं ये बात बिल्कुल, अब हमारे परिवार की भी यही सोच रहती है, हमेशा वही मैं सलाह मशविरा करके वीडियो में बोलता हूँ। तो दोस्तों यही बात है कि अपना मन खुला रखें, अपना मन साफ रखें कि हमारी तरफ से कोई गलती ना हो, मदद ही हो किसी की। तो दोस्तों यही है कि अपनी जो हमारी जो रगों में जो खून में गर्मी है या जो हमारे जो मस्तिष्क में योजनाएं हैं, जो है जो हमारे शरीर में बाहुबल है या जो हमारे शरीर में ताकत है, ये अच्छाई के लिए, इंसानियत के लिए, मानवता के लिए खर्च होना चाहिए, किसी के बुरे के लिए नहीं, कि किसी से बददुआ मिले। तो जीवन में दुआ बहुत बड़ी चीज़ है, जो दया है वो अपनी तरफ से पूरी होनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ तक की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आगे थकावट काफ़ी होगी आज, पता नहीं क्यों हुई इतनी, कल नहीं हुई थी, कल ज़्यादा जोश था कि दवाई गोली होती तो पूरे खेत में कर देता, और आज ये मुझे निमटाना भारी हो रहा है। क्योंकि दोस्तों खेत क्या चक्कर है, खेत ये अपने आप में चक है, जैसा मैंने पहले भी आपको बताया कि ये खेत जो है, ये जो चक है हमारा श्री माता जी वाला, ये हमारा बजट बढ़ाता भी है और बिगाड़ता भी है, तो इसमें मेहनत करनी इसलिए ज़रूरी है। तो दोस्तों आज जो है रात में काफ़ी लेट मोबाइल चलाया, फिर अच्छे से नींद नहीं आई, फिर हवा सी आ गई तूफान से, पहले तो गर्मी हो रही थी, फिर एक दो बार बिजली भगी तो डिस्टर्ब हो गया। क्योंकि दोस्तों अगर आराम से खाना खाया घूमे और अपना ढेर सारा अपना पानी वानी पिया, जो भी दूध दाद मिला पी लिया, अपना सो गए तो सो गए, अगर मोबाइल चलाने में लग गया तो दोस्तों माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, ये हमने बात देखी है, इसका प्रभाव पड़ता है हमारी जीवनचर्या पर। तो इसलिए सोते वक्त बिल्कुल मोबाइल ना चलाएं। धन्यवाद, जुड़े रहिए, अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें।